जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ हैवी लाइसेंस के बारे में। तो हैवी लाइसेंस के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है कि हैवी लाइसेंस कितने दिनों में बनता है, कितने दिनों में प्रिंट होता है और कितने दिनों में आपके घर के पते पर डिस्पैच किया जाता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच कितने दिनों में होता है, DL होम डिलीवरी कितने दिनों में होती है। बार बार के आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं इस विषय पर कि हमारा लाइसेंस जो है वो नहीं प्रिंट हो रहा है या प्रिंट हो रहा है तो हैवी लाइसेंस कैटेगरी का है, कितने दिनों में डिस्पैच होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही RTO की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। नॉलेजबल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को तक नहीं पहुँचेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करेगा, शेयर करेगा फैमिली एवं फ्रेंड्स तक सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज़ करते हुए। आइए आपको जानकारी देते हैं दोस्तों, हैवी लाइसेंस होता है, यह लाइसेंस आपको बनाने के लिए डायरेक्ट अब RTO से नहीं बनता है, इसके लिए नियम परिवर्तन कर दिया गया है। तो यहाँ आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान गए। तो आपको किसी न किसी ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेना होता है और वहाँ पर जाकर कम से कम 42 दिनों का कोर्स करना पड़ता है, कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। 42 दिनों का कोर्स करेंगे तो वो आप पहले जोड़ लीजिए कि 42 दिन तक तो आपको कोर्स ही करना है, ड्यूरेशन की बात करें तो। उसके बाद वहाँ पर 42 दिन जब कोर्स करेंगे तो फिर से वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर चाहे तो आप वहीं से या किसी साइबर कैफे CSA सेंटर से ऑनलाइन आवेदन करवाएं सर्टिफिकेट प्राप्त करके। जब आप ऑनलाइन आवेदन करवा देंगे तो जब अप्लाई करेंगे तो फिर आपका वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सब कुछ क्लियर होगा। तो फिर जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपका 7 वर्किंग डेज में आपका हैवी लाइसेंस जो है वो बनाया जाता है, ठीक। 7 दिनों में आपका हैवी लाइसेंस बन गया, फिर नेक्स्ट 7 डेज में 1 वीक में आपका हैवी लाइसेंस प्रिंटिंग स्टेज में चला जाता है और प्रिंट होता है आपके हेडक्वार्टर में। स्टेट में एक ही होता है, स्टेट के आपका हेडक्वार्टर RTO, हेड RTO ऑफिस, वहाँ पर ये प्रिंटिंग वगैरह होती है, ठीक है। किसी किसी राज्यों में थर्ड पार्टी को भी वहाँ पर राइट्स सौंप दिए गए हैं लाइसेंस को प्रिंट करना और डिलीवर करवाने का, तो वो चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपको 7 डेज में बनेगा हैवी लाइसेंस, 7 डेज में आपका प्रिंटिंग स्टेज में चला गया, नेक्स्ट 7 और नेक्स्ट वहाँ पर 15 वर्किंग डेज मिनिमम और मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज में आपके घर के पते पर यह डिस्पैच किया जाता है। तो आप वहाँ पर दिन अगर कैलकुलेट कर लें तो 42 दिनों का कोर्स अनिवार्य है, फिर आपको लगभग 4-5 दिन हो जाएगा उसको आवेदन करते हुए, वो आप जोड़ लीजिए लगभग 50 दिन हो गया। और उसके बाद आप आवेदन करेंगे, 7 दिनों में आप बनेगा, 7 डेज में प्रिंटिंग होगा, 14-15 दिन ये हो गए और 15 दिन ही आप वहाँ पर डिस्पैच मान के चलिए मिनिमम। अगर आपके यहाँ पोस्टल सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, स्पीड पोस्टल डिलीवरी वगैरह समय पर हो जाती है, सभी एड्रेस वगैरह क्लियर अगर फिलअप करे रहेंगे तो नेक्स्ट 15-20 वर्किंग डेज में आपके घर के पते पर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को डिलीवर आप तक कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों में आपका हैवी लाइसेंस बनकर आता है। हाँ, अब आप बहुत से लोग फीस की बात करेंगे तो फीस के ऊपर मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को जाकर आप देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है कि कितने फीस लगती है हैवी लाइसेंस बनाने की, सारी चीज़ें मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता लग गया कितने दिनों में बनता है, कितने में डिस्पैच होता है, कितने दिनों में प्रिंटिंग, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी भी कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली बातचीत सुझाव सजेशन के लिए @TechnicalAlokji इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, फेसबुक पेज पर जाकर जुड़कर क्वेश्चन पूछे, खासतौर पर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमसे जरूर जुड़िएगा, ठीक है, वहाँ जुड़कर क्वेश्चन पूछे। और इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।